गोमती जिले के अंतर्गत अमरपुर अम्पी नगर हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों को लेकर राज्य के त्रिपुरियों के सिर पर हथौड़ा मारा है राज्य सरकार ने। त्रिपुरी समुदाय के लोगों ने ये बार बार सरकार को अवगत कराया कि उन्हें कॉकबोरोक भाषा लिखने के लिए बंगाली स्क्रिप्ट नहीं बल्कि रोमन स्क्रिप्ट में ज्यादा आसानी होती है और उनके लिए सुविधाजनक है। लेकिन राज्य के बीते कांग्रेस सीपीआईएम या तो बीजेपी आईपीएफटी सरकार के समय भी ये मामूली सी बात नहीं समझ सके सरकारी अधिकारी। दबाव ढालकर छात्रों को परीक्षा पत्र में कॉकबोरोक भाषा को बंगाली स्क्रिप्ट में लिखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। त्रिपुरी समुदाय राज्य के भूमिपुत्र समुदायों में से एक है। पढ़े लिखे लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं, फिर ये कैसी छवि जहां मातृभाषा तक को लिखने में इतना दबाव। क्या ये लोग वाकई में उसके अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं? ऐसे सवाल तो आम लोगों के मन में बनेंगे ही। मूल रूप से त्रिपुरी भाषा की या तो कॉकबोरोक भाषा की कोई स्क्रिप्ट नहीं है, इसीलिए ज्यादा तौर से लोग रोमन स्क्रिप्ट में ही भाषा को प्रकाश करना आसान समझते हैं। ये सिर्फ कॉकबोरोक के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में रोमन स्क्रिप्ट कई भाषाओं को लिखने में इस्तेमाल होता आया है और रहेगा। बात अगर बंगाली स्क्रिप्ट की हो तो इसका प्रचलन सिर्फ पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या तो बांग्लादेश में ही खास तौर पर की जाती है। कॉकबोरोक भाषा की मूल लिखने की गतिविधियों को ध्यान में रखकर कॉकबोरोक भाषा बोलने वाले छात्र इसको रोमन स्क्रिप्ट में ही लिखना सुविधाजनक समझते हैं। ऐसी ही एक घटना सामने आई जहां 17 मार्च 2023 को कॉकबोरोक भाषा के 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा में छात्रों को मजबूर किया जा रहा है कॉकबोरोक को बंगाली स्क्रिप्ट में लिखने के लिए, जिसके कारण छात्रों के बीच काफी आक्रोश दिखा और छात्रों ने इस तानाशाही बर्ताव के खिलाफ आवाज भी उठाया और बोर्ड अधिकारियों से गुहार लगाई कि परीक्षा में उनको कॉकबोरोक भाषा के लिए रोमन लिपि में लिखने की अनुमति दी जाए। इंग्लिश भाई करे मो अलाउड भी यहाँ नहीं छोड़ता ब्रो, मुझे हम रोमन भाई करे ही छो, मुझे ना बांग्ला यूज़ कर दी ना इंग्लिश भी यूज़ कर के ना इजाक लाना ने खाता नहीं छोड़ता ब्रो, मुझे चुम है ना ब्रो मुझे कॉक भाई माने वही चुम सीखता।